ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं केरल विमान हादसे में मारे गए सभी 18 लोगों के लिए शोक संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा और जो लोग घायल हैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुझे याद है आज से 10 साल पहले कुछ इसी तरह का हादसा मैंगलोर में भी हुआ था। उस वक्त भी बरसात की वजह से विमान फिसला था। उम्मीद है इन गलतियों से हम कुछ सीखेंगे। एक कल से आप लोग मुझे मोबाइल पर एक फोटो भेज रहे हैं जो आईपीएस हैं गगनदीप गंभीर उनके पति का सलमान खान के साथ बैठे हुए हैं। वो मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या हम अब निष्पक्ष न्याय की और निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते। मैं उस फोटो को देखकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो फोटो भेजा और जब भी वो आ रहा था वही सवाल था वही लिखा हुआ था, मैं उसको देखकर सोचने लगा। और मैं ये सोचने लगा कि शायद मैं वक्त को बदलते हुए देख रहा हूँ। वो इसलिए कि कुछ महीने पहले की बात है, यही लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, यही लोग अपने सोशल मीडिया पर बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ फोटो लगाते थे अगर कोई इनके शहर में आ जाए या ये बॉम्बे आ जाए किसी के साथ क्लिक कर लें, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उसको खूब लाइक देते थे, जेलस होते थे, अरे तुम इससे मिल लिए, तुमने इसको देख लिया पास से। अब देखिए कैसा वक्त बदला है कि जिसके साथ पिक्चर्स क्लिक करना, मैं खाली सलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें सभी जोकर्स की बात कर रहा हूँ, कि जिनके साथ पिक्चर्स क्लिक करना कभी बड़ी शान की बात होती थी, पड़ोसियों को जलाने वाली बात होती थी, आज उन्हीं के साथ किसी का फोटो दिखाकर ये पूछा जा रहा है कि क्या ये व्यक्ति कैरेक्टर का सही होगा, ये तो इसके साथ फोटो खिंचा चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी के भी साथ पिक्चर क्लिक कराने से इस बात का कोई सबूत नहीं मिल जाता कि उसका दोस्त है या वो भी उसी की तरह होगा। अगर आप लोग देखेंगे मेरे YouTube चैनल में, आपको मेरे महेश भट्ट के साथ भी इंटरव्यू दिख जाएंगे, सलमान खान के साथ भी दिख जाएंगे, शाहरुख खान के साथ भी दिख जाएंगे, आमिर खान के साथ भी दिख जाएंगे, मेरे भी फोटोग्राफ आपको अमिताभ बच्चन के साथ दिख जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी तरह हो गया हूँ। किन परिस्थितियों में कौन कब कहाँ किसके साथ कैसे फोटो खिंचाता है, इसका उसके कैरेक्टर से या उसके जीवन में आने वाले जो भी घटनाएं हैं उस पर असर नहीं होता। पिक्चर्स को देखकर आप परेशान ना हो, और जहाँ तक जो भी फेसेस थोड़े टीवी पर आते हैं या फिल्मों में आते हैं तो आमतौर पर उनके फोटोग्राफ भी इस तरह के आपको बहुत मिलेंगे कि किस किस के साथ फोटो खिंचाया हुआ। फोटो खिंचाने में कोई गुनाह नहीं है और फोटो खिंचाने से कोई आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं हो जाता। इसलिए उन सारी बातों पर बात करना छोड़िए और इस पर ध्यान दीजिए कि आप लोगों की वजह से आज ये सीबीआई जांच हो रही है। क्या ये सीबीआई जांच होती अगर आपने मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडियम पे छोड़ दिया होता? नहीं होती। ये आप लोगों की कोशिश है, आपने शोर मचाया और आपने इस हद तक शोर मचाया कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई सबको विवश होना पड़ा, मुंबई पुलिस पर आपने इतना शोर मचाया। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आज जो आपको ये छोटी सी जीत मिली है, आगे ये लोग भी आपसे डर कर काम करेंगे, इनको आपका डर है, वो एक फोटो खिंचाने से कुछ नहीं हो जाता। हो सकता है सलमान को उनका नाम भी ना मालूम हो सकता है वो कहीं किसी के साथ बैठे हो, किसी ने ऐसी पिक्चर क्लिक कर लिया, तो वो उसके बेस पर हम ये कह दें कि जांच प्रभावित होगी और अब क्या होगा और हम चिंतित हो जाएं, तो ये तो बेवजह चिंता को आमंत्रित करने जैसा हो जाएगा। चिंता करने की मुझे फिलहाल कोई बात नहीं लग रही है और सीबीआई टीम वेंसडे तक आ जाएगी क्योंकि उनको एक चिट्ठी लिखनी होती है बीएमसी को, उसके बाद 2 दिन का समय मिलता नहीं तो उनको भी क्वारंटीन कर सकते हैं, इसलिए वो जो एक प्रॉपर फॉर्मेलिटी है वो पूरी होकर वेंसडे को ये लोग आज यहाँ आ जाएंगे दिल्ली से, और जो मुंबई वाली सीबीआई टीम है वो उनको असिस्ट करेगी। तो उसने पहले से ही अपनी कामों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, उस फोटो को मुझे बार बार भेजना भी छोड़ें और एक दूसरे को भेज के प्रश्न उठाना भी छोड़ें। कल को आपको किसी और का पिक्चर दिख जाएगा तो आप कहेंगे ये ऐसा क्यों है, तो फोटोग्राफ को लेकर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी, और सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी नहीं, हम लोग करवा लेंगे। जैसे आपने शोर मचाया है
अब आपके शोर का डर बैठ चुका है लोगों के मन में, तो इसलिए ध्यान रहे, सवाल उठाना छोड़िए और खुद पर विश्वास करना सीखिए। जब तक सवाल आप उठा सवाल सही चीज़ों के लिए उठाइए। अगर आप हर बात के लिए सवाल उठाएंगे तो आपका ही विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगेगा। जो बात सही है उस पर सवाल उठाइए, और जो बात ऐसा लगता है कि बिना सवाल उठाए भी आप समझ सकते हैं तो उसको समझिए। आई होप कि मैंने बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर किया होगा, और आगे जो भी खबर आएगी मैं उस पर वीडियोस करता रहूँगा। फिलहाल खबर यही है कि ये जो चक्रवर्ती कपल है इंद्रजीत और संध्या, इसको 10 अगस्त को वापस बुलाया ईडी ने, और सिद्धार्थ पिथानी को भी बुलाया हुआ। देखते हैं कब होती है इनकी पेशी, मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।